गुजरात के पंचमहाल जिले के मलाव गांव का एक छोटा सा बालक, नाम था शंभू। 18 फरवरी 1990 के दिन ये बालक देवगढ़ बारिया गांव में विराजमान प्रमुख स्वामी महाराज के दर्शन के लिए जा पहुंचा। लोगों की भारी भीड़ में उसने स्वामी श्री को अपनी भोली भाली भाषा में अपने घर पर पधारने का निमंत्रण दिया। भारी कोलाहल के बीच भी इस बालक की आवाज को स्वामी श्री ने सुन लिया। उन्होंने बालक को घर जाकर तैयारी करने के लिए कहा। सर्दी का मौसम, रात का अंधेरा, अंदरूनी गांव और गड्ढे कीचड़ से भरे रास्ते, ऐसे हालातों में भी स्वामी श्री 46 किलोमीटर की यात्रा करके रात के 10 बजे शंभू के घर पहुंचे। भगवान का पूजन हुआ, आरती हुई, सभी परिवार जनों को आशीर्वाद देकर जब स्वामी श्री विदा हो रहे थे, तब शंभू को देखकर स्वामी श्री ने पूछा, शंभू तूने आरती की या नहीं? शंभू चुपचाप खड़ा रहा। स्वामी श्री बालक की भावना को समझ गए। उन्होंने फिर से आरती प्रज्वलित की और शंभू के हाथों आरती करवाई। इस तरह एक छोटे से बालक को प्रसन्न करना भी स्वामी श्री चूके नहीं, क्योंकि दूसरों की भावनाओं को समझकर उसे परिपूर्ण करने में ही उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। प्रमुख स्वामी सुखकारी जय हो, संत परम हितकारी जय हो।